दाया हाथ ऐसे उठाइए, बाया हाथ उधर करिए, पैर पहले ये वाला बाहर निकालिए, वहाँ पे ये रखिए, यहाँ पे वो करिए, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अपने नए घर के लिए यहीं से सामान लेके बनवा सकते हो। ये पूरा बहुत अच्छा सा है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है। यार ये सब मत करा करो, तुम खा लो, मेरे लिए है यहाँ पे चार पूरी और सब्जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, एंड जय माता दी। आज है छठा दिन और आज है माँ कात्यायनी का दिन, और अभी मैं बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। पता नहीं आज से मुझे थोड़ी थोड़ी वीकनेस सी लगने लगी है, सुबह से उठी हूँ ना, ऐसे लग रहा है सर चक्कर खा रहे हैं, मैं लेट जाऊँ। क्योंकि तुमने इतने दिन से आटा और नमक नहीं खाया है ना, इसलिए हो जाएगा, हो सकता है, इस वजह से नमक तो जरा सा भी चेंज हो जाए ना तो चक्कर आने लगता है। मैं सहना नमक ही ले रही हूँ, वो भी टाइम तो हो जाता है फर्क। एग्जैक्टली कोई नहीं, माता रानी ने इतने व्रत करा दिए तो ये भी दो व्रत और हैं, वो भी हो ही जाएंगे। आज मैं सोच रही हूँ कंचिकाओं के लिए थोड़ा सामान वगैरह लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि अष्टमी पूजा होती है मेरे घर पे, कंचिकाओं का सामान लाऊंगी। तो बस कल सप्तमी है। हाँ, कल लास्ट व्रत है ना। अच्छा गाइस, मैं कुछ लोगों के ना कमेंट्स पढ़ रहा था अभी, जो रिसेंटली ब्लॉग जा रहे हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसमें देवी माँ का कीर्तन आपने देखा होगा, रीमा ने ऑर्गेनाइज किया। आपने नहीं अटेंड किया? बस मैंने नहीं किया, और जो है मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन रीमा ने किया, मैंने बाद में वीडियो में देखा, बहुत अच्छा हुआ था। तो जो लोग आए थे थैंक यू आने के लिए, तो मैंने आरती ले ली थी और दर्शन भी कर लिए थे मैंने। तो गाइस बस मैं कुछ कहना चाहूंगा, एक्चुअली मैंने थोड़े बहुत कमेंट्स वगैरह पढ़े, मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ रीमा के वीडियोस में जो नीचे कमेंट्स आते हैं। तो मैंने ये पढ़ा कि कुछ लोग कह रहे हैं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ हम लोग परफेक्ट तो है नहीं, तो हम लोग जो करते हैं ना वो हमारे माँ बाप से हमने जो सीखा है, अपनी फैमिली में जो हमने सीखा है, और थोड़ा बहुत जो लोगों को देख के करते हैं ना, वैसा फॉलो करने को कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभार कुछ कमी रह जाए, हो सकता है कि आप जैसे करते हो हम वैसे ना करते हो, है ना। कुछ लोग बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, हो सकता है हम लोगों ने शुरुआत से वो चीज नहीं की हो। श्रद्धा पूरी है, श्रद्धा होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। माँ भाव देखती है। एग्जैक्टली, माँ भाव देखती है, माँ ये नहीं देखती कि आपने ये सीधे हाथ पे रखा है या टेढ़े हाथ में रखा है। कुछ चीजें पर्टिकुलर होती है कि जैसे वो साथ में समझ रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें होती है हमसे गलती से हो जाती है तो माँ माफ कर देती है। तो भाव होना जरूरी होता है, श्रद्धा होनी जरूरी होती है, तो बाकी परफेक्शन तो उम्र के साथ भी आ जाता है। उम्र के साथ तो हम लोग भी सीख रहे हैं, आप लोग बताते हैं, अच्छा लगता है, पढ़ते हैं तो हमको भी मालूम पड़ता है। अब पता हूँ ना एक बात, और आप मैं इस बारे में बोलूंगी, जब आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं एक बात बोलूंगी। आजकल ना मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, इंस्टा हो या फिर शॉर्ट्स हो, आजकल वास्तु ये वो और क्या कहते हैं पूजा ये सब चीजों का ना कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मैं क्योंकि मेरे भी शॉर्ट्स पे बहुत आते हैं कि ये वाला दाया हाथ ऐसे उठाइए, बाया हाथ उधर करिए, पैर पहले ये वाला बाहर निकालिए, वहां पे ये रखिए, यहाँ पे वो करिए, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, इतने सालों से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये इस साल जैसे ये शुरू हुआ है 2024, बहुत ही ज्यादा हो रहा है ये सब। एक्चुअली मैं हम लोग छोटे थे तो मतलब बचपन से ही हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। हाँ। अगर कोई चीज रह जाए आपको लगे गलत है, माता रानी से हम माफी मांग लेते हैं, और आप लोग भी बता देते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे, हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे हम उसको नेक्स्ट टाइम ना करें। अगर मैंने माता रानी के बाई तरफ कलश रख दिया है तो मैं हटा के तो मैं उसे दाई तरफ नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो गलत हो जाएगा, जो कलश जहाँ स्थापित हो गया वो हो गया है, तो अब मैं उससे अगली बार ध्यान रखूंगी। मैं इस साइड, तुम तो हमेशा उस साइड में रखती। हाँ, लेकिन अब मैं साइड रखने लगूंगी, क्योंकि लोगों ने बोला ऐसा कि माता रानी, पिछले साल भी रखा था तुमने, तब लोगों ने नहीं बोला, लेकिन इस साल मैं कह रही हूँ ना, रील्स और शॉर्ट्स ऐसे वायरल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें इन चीजों का बहुत भरपूर ज्ञान मिल रहा है। मैं जब से छोटा हुआ मैं बड़ा हुआ मैंने नहीं देखा ये सब चीजें। तो भाई यहाँ पे चिल्ड वाला मैंगो शेक बन रहा है, वैसे मैंगो शेक बनाता मैं हूँ, आज रीमा बना रही है। नहीं, मैं आपको चलाने का मौका दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो तब मैं तैयार हो जाऊंगी ना जाने के लिए। हाँ ठीक है ना, आप इसको दो चला देना बस। श्योर, मैं डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ, लेकिन क्या चल, मैं इसमें अपनी चीजें भी डालता हूँ। इसमें आज ये व्रत का, इसमें अपनी चीजें कुछ कौन सी पड़ेंगी? इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकती हो। हाँ, ड्राई फ्रूट डाल दो, मर्जी है तुम्हारी, ड्राई फ्रूट्स का कुछ नहीं। हमारे बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे बालों पर बहुत असर पड़ता है।
जैसे बाल झड़ने लगते हैं, बालों में रूखापन आ जाता है, मॉइस्चर कहीं खो जाता है, और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आपका बाहर का बहुत सारा काम रहता है, पोल्यूशन की वजह से, वेदर की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, अच्छी डाइट ना लेने की वजह से, और कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इतनी सारी वजह होती है बालों के झड़ने की, और हम सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं मार्केट में कि जिससे कि हमारे बाल पहले जैसे हो जाए। उसके लिए हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, और मैंने भी नेट पे सर्च किया तो हिबिस्कस एक ऐसा फ्लावर है जिसके यूज से आपके बालों का झड़ना और क्या कहते हैं बालों का जो मॉइस्चर खो गया है वो वापस आ जाएगा। लेकिन हिबिस्कस के फ्लावर लेकर आओ, पहले उसका DIY करो, फिर मिक्सी में उसे पीसो, एंड देन उसका पेस्ट बनाओ, फिर हेयर मास्क बना के अपने बालों में लगाओ, देन फिर वॉश करो। तो ये एक लंबी प्रोसेस है जो कि हर कोई बिजी लाइफ स्टाइल में नहीं कर सकता। तो आज से एक सवा महीना पहले जब मैंने अपने बालों में देखा कि काफी ज्यादा जो है मॉइस्चर लॉस हो गया है, बाल भी लगातार झड़ रहे हैं, तो मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया मामा अर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल। और इस हेयर ऑयल में ना दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक है हिबिस्कस और दूसरा है करी लीव्स। हिबिस्कस के तो फायदे आपको पता ही है जैसे कि मैंने बताया, और करी लीव्स भी क्या होता है ना, अर्ली ग्रेइंग से बचाता है और बालों को घना करता है, शाइन लेकर आता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको सिर्फ इस ऑयल को लगाने से। एक सवा महीने से लगातार मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका डायरेक्ट फर्क मुझे अब बालों पड़ने भी लगा है, बाल पहले से कम झड़ रहे हैं मेरे। तो अगर आप भी मेरी तरह कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि आपके बाल डैमेज फ्री रहे, नरिश रहे, टूटे नहीं, झड़े नहीं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ये हिबिस्कस हेयर ऑयल। कभी कभी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा बालों को इस तरीके से लीजिए और ऐसे करिए तो बाल जो है इतने कमजोर होते हैं कि बीच में से टूट जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है मेरे बालों में बहुत ही विजिबल फर्क मुझे नजर आ रहा है आजकल, और ये देख सकते हो आप, बाल इतनी आसानी से टूटते नहीं है। ये बालों को काफी स्ट्रांग बनाता है। हेयर ऑयल के साथ साथ मैं ना इसी रेंज का मामा अर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें भी करी लीव्स और हिबिस्कस के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप भी कोशिश करो जब आप इसका हेयर ऑयल यूज करो तो साथ में इसका शैम्पू भी इसी रेंज का यूज करो। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये केमिकल फ्री होते हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये ना केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। और मामा अर्थ की जो गुडनेस है ना गाइस, वो केवल इनके प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि वो इस वैल्यू को भी स्टैंड करते हैं। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप मामा अर्थ की वेबसाइट से जाकर परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं किसी एक ट्री के साथ। तो इस तरीके से मामा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाने का इनिशिएटिव लिया है। और अगर आप सोच रहे हैं ये प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन और खुद मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पर। अगर आप इनकी वेबसाइट और या फिर ऐप से परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड लगा लीजिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो ऑफलाइन भी इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, नियर बाय किसी स्टोर पर आप जाकर देखिए आपको मिल जाएंगे, मॉल में, केमिस्ट की शॉप पर, यहाँ सब पर भी मिल जाते हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग बाहर निकल गए और साथ में आए हैं गार्डन गैलेरिया। और यहाँ पर भाई संडे में गाड़ी भी पार्क करने के लिए जगह नहीं, और यहाँ पे ना बहुत 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 सारे चॉइस मिल जाएगी आपको रेस्टोरेंट की। कभी भी किसी भी स्पेशल डे के लिए आना है या वीकेंड में आना है तो इतनी चॉइस है पूछो मत। नाइट करी थी पानी दियो मुझे हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा होगा मुझे अपना, कोई या मुझसे प्यार करता होगा। तुम करते हो मुझे प्यार? अरे मैं क्यों? हाँ ये बात भी, ये क्यों करेंगे? कोई ऐसा जो मुझे प्यार करता होगा वो याद कर रहा है। वर्ल्ड ऑफ वंडर भी यहीं से दिखता है। अरे यार वर्ल्ड ऑफ वंडर आएंगे, गर्मियाँ आ गई, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, वर्ल्ड ऑफ वंडर आएंगे हम सब मिलके। वही हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। नोएडा में बस खाने पीने का ही कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं मिलेगी नोएडा में। यहाँ पे रीमा को हिप्पो पे जाना है? नहीं, हिप्पो पे जाना है, घर के लिए कुछ देख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना, पानी रीमा के लिए ढूंढ रहे थे,
इस पूरे उसमें कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं स्टारबक्स में जाके पानी पीते हैं। स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते हैं लोग, ये पानी पिलवा रहे हैं। ये पूरा बहुत अच्छा सा है। तो नोएडा गार्डन गैलेरिया में ये हिप्पो होम है, जहाँ पर होम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही थी। मैं तो देख के बहुत खुश हो गई। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ों की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और मुझे लगा मार्केट के प्राइस से काफ़ी रीजनेबल भी थी। जैसे कि किचन से रिलेटेड चाहिए, वॉल पैनलिंग चाहिए, सिंक चाहिए, वॉश बेसिन चाहिए, या फिर शावर एरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी एक ही जगह पर। जब आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल चीज़ों को देख पाते हो, समझ पाते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। जब हम लोगों ने 2021 में अपना घर बनवाया था ना, तब हम लोगों ने वॉल पैनलिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अपने आसपास ढूंढे थे। तब ये हिप्पो खुला नहीं था, शायद हमें इसका आइडिया नहीं था, वरना यहीं पर आकर देखते, क्योंकि यहाँ पर ना टाइल्स और वॉल पैनलिंग के इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लिया। गाइस अच्छी जगह है हिप्पो, इसमें ये हिप्पो है, हाँ होम डिपो टाइप का ना, हम देखने आए थे। सारी चीजें मिल रही हैं यार यहाँ पे, बड़ी सही क्वालिटी में। हाँ। जे यूएस में एक ब्रांड हुआ करती थी, अब भी होती है, होम डिपो करके, तो ये उसके कंपैरिजन में आई एक्चुअली लाइक इट, बहुत ऑप्शन है। इसके कितने ब्रांच हैं? दो। ये भी टाइल अच्छी है, अल्टिमा कलेरिया की। इसमें दो टाइल हैं, 4723 की एक टाइल। बाहर से तो सस्ती लग रही है। हाँ, जो हमने ली थी है ना। ये टाइल से हाँ मैश के ऊपर होती है, ये पेस्ट की जाती है, मैश के ऊपर ऐसे पेस्ट करी जाती है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर कुछ काम कराना होगा बेडरूम वाले में तो करा सकते हैं, है ना। स्टोर है, सही है, सब कुछ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फ्लोरिंग, बाथरूम, किचन, एवरीथिंग इज हियर, और यहाँ तक कि वो पैनल्स वगैरह वो सब है यहाँ पे। इफ यू गिव मी वन मोर। ये बाहर खुलने वाले दरवाजों के लिए? हाँ, दरवाजों के लिए, तो फिंगरप्रिंट करूँ तो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अपने नए घर के लिए किचन अगर घर लेते हैं हम लोग, तो उसमें यहीं से सामान लेके बनवा सकते हो, है ना। दिखाओ ये देखो, बेडरूम का टाइप आ रहा है। अच्छा इकोनॉमिकल भी है, इसकी जो प्राइसिंग है ना वो भी अच्छी है। ना बनाया मिल रहा है यूरोपियन। हाँ यूरोपियन डिजाइन ही तो है ये, ऐसी ये भी है, ये भी पैनलिंग ही है, ये सब पैनलिंग है। तो बेड इसके अच्छा आगे कर लो एंड देन बट पीछे ये हो गया। हाँ ये भी वही चीज है, पर शायद जैसे बेड बनाने के लिए बैक चाहिए आती है, ये वही तो है, बैक ही तो है, वही चीज है, बैक ही है, बैक ही अरे ये कौन आया? घर लिया नहीं है अभी, उससे पहले शॉपिंग चालू। एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में बिल्डर ने जो डोर्स और वो बनाया है ना शटर्स, वो बहुत हल्की एल्युमिनियम के बनाए हैं, और ये वाले काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मैंने कभी सोचा है कि मैं इसको बनवा सकता हूँ हैवी गेज में। यहाँ पे किचन का भी सामान मिल रहा है, जैसे कि ये मुझे नाश्ते के लिए चाहिए होती हैं, ये वाली छोटी वाली अच्छी लग रही है, ऐसी ले लूं मैं प्रशांत? छह तो हमारे पास है हिप्पो, हिप्पो मैन। ये अच्छे लग रहे हैं ना साइड में रखने के लिए, वैरायटी बहुत है यहाँ पे। ये जी आई पी है, ये डी एल एफ है, जी आई पी डी एल एफ आई है हम लोग। भाई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रीमा को महसूस हुआ कि हम लोग डी एल किसी और दिन आएंगे। रीमा को लग रही है भूख, तो अब हम घर जा रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग आ गए हल्दीराम और रात काफी हो गई थी, लेट हो गया था, मुझे काफी तेज भूख लग रही थी। प्रशांत बोले घर चल के तुम कहाँ लगोगी काम में, यहीं से मैं तुम्हें खिला देता हूँ। नवरात्रि की यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन थे कि मजा ही आ गया देख के। हम लोग ट्राई करने आए हल्दीराम पर नवरात्रि स्पेशल मेन्यू, काफी सारी चीजें मिल रही है यार यहाँ पे, पूरा भरा पड़ा है ये। मतलब नवरात्रि में भी हम इतनी सारा चीज़ें खा सकते हैं, मैं तो अभी तक ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम आई हूँ। मतलब कि मैं हर मुझे हर दिन ये सब ट्राई करना चाहिए था, लेकिन अब मेरा कल का फास्ट और बचा है बस। तो अब तुम कल कुछ इसमें से बना लेना। हाँ मैं कल इसमें से कुछ एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो मैं खुद ट्राई करके आपके साथ शेयर करूँगी, साबूदाना पापड़ी चाय, ये बना के दिखाऊंगी आपको। हमारी थाली आ गई है भाई, हल्दीराम आए नवरात्रि की थाली। नहीं तुम खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया यार, ये सब मत करा करो, तुम खा लो, मेरे लिए है यहाँ पे चार पूरी और सब्जी, तुम खाओ। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं मेरा तुम्हारा कोई मजाक का रिश्ता है। अच्छी है हल्दीराम में जो है ना, बिना प्याज बिना लहसुन का खाना मिलता है, नवरात्रि की थालियाँ मिलती हैं। तो हम लोग वैसे तो बाहर नहीं खा रहे हैं, खासकर से रीमा नहीं खा, लेकिन लौटते वक्त में लेट हो गया तो रीमा ने, तो मैंने कहा रीमा चलो यहाँ से खा लो, यहाँ पे नवरात्रि का अच्छा मिलता है, सारा बहुत अच्छा है ना। I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if